छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्थित साईं मंदिर के पुजारी ने बुधवार देर रात चरित्र संदेह में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुजारी दिन भर उससे विवाद और मारपीट करता रहा, फिर रात को घर पहुंचा और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामला भाटापारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम सिद्ध बाबा में साईं मंदिर के बढ़ार के कोटमी गांव निवासी राम नारायण पांडे उम्र 35 वर्ष पुजारी है। वह मंदिर परिसर में ही पीछे की ओर बने मकान में अपनी पत्नी मंदाकिनी पांडे 25 वर्ष, अपने दो बच्चे और साले रामायण तिवारी उम्र 17 साल, पूजा तिवारी 15 साल के साथ रहता है। रात करीब 9 बजे लौटा तो फिर पत्नी से मारपीट शुरू कर दिया, उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया है। इतना पिटा कि वह अधमरी होकर के नीचे बिस्तर पर गिर गई। इसके बाद राम नारायण ने कमरे में ही बने किचन में रखे गैस चूल्हे को जलाया और पत्नी मंदाकिनी के ऊपर में बार बार रखने का प्रयास किया। गैस चूल्हा बार बार रखने से मंदाकिनी के कपड़ों और बिस्तर में आग लग गई। कमरे में आग निकलने देख ग्रामीण दौड़ करके मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।